अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं जी। अभी इस जोड़े को मैंने आगे खोला, ऊपर अभी तकरीबन 3:30 का टाइम है, तो दाना वगैरह ही अपना कर लेंगे। शाम को फिर टाइम नहीं मिलता इन सबको दाना खिलाने का। ये चूजा जो है ये थोड़ा बीमार है काफ़ी दिन से, इसको दवाई देनी है मैंने, लेकिन समझ नहीं आ रही से मसला क्या है। सुस्त हुआ है ये, अब ये बाहर आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, बाहर वैसे पता तो नहीं चलने देता इस तरह, लेकिन ये है बीमार। इसको देखें, इसके काम देखें, ये चाबी खुलती है रोज़, पहला इसका यही काम होता है। चलें, थोड़ी देर धूप में रहेगा तो क्या पता ठीक हो जाए, काफ़ी बीमार ही लग रहा मुझे। इसको दाना वगैरह डाल के देखते हैं अगर ठीक होता है। ये रोज़ मेरा हाथ जख्मी करने आ जाता है, मारता है मुझे। अंदर वाले परिंदे दिखाते हैं आपको, ये जी सब बिल्कुल सुकून में बैठे हुए हैं। अभी एक कोको को छोड़ के उसने मुझे देख लिया, इसका ना बाहर निकलने का दिल करेगा। और बाकी है एक और, मैं आपको इसका काम दिखाता हूँ सिम्बा का। ये कल रात ही तो बच गया, अगर दरवाज़ा वगैरह खुला होता और दिन का टाइम होता तो इसे भाग जाना था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको ये करती क्या है। ये जी इसका दाने की कटोरी है, ये मैं निकालता हूँ, बाकी आप खुद देख लेंगे। तो ये देखें जी, ये इसके काम है। इतनी चालाक है ये, इतनी चालाक है। इसने उड़ जाना था अगर ये रात का टाइम ना होता, और जब ये ऐसे बाहर आती है फिर ये हाथ पे भी नहीं आती। कोशिश करते हैं ऐसे हाथ पे बुलाने की। ये आ गई, आ जाओ। ये देखें जी सिम्बा, ये देखें जी, और ये आ गया उड़ के। अभी एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, आ जाओ। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा टीम है, इसे फिर बिठाते हैं इधर। तो इन्हें भी बंद करते हैं। नहीं जी, इन्हें बंद कर दिया, ज़्यादा देर नहीं खोलता, फिर ये काटने लग जाता है जंगली। तो चलें देखते हैं बाहर वाले परिंदों को, इनकी क्या सूरत हाल है, बच्चे कहाँ गए हैं इसके साथ से। ये मेरे ख्याल से इसने डरा के रखा हुआ है इनको। एक वो पिंजरे पे खड़ा हुआ है, एक ये आ गया। अभी दाना रखते हैं इनका, दाना खाएंगे तो क्या पता थोड़े सेट हो जाएं। इसको देखें, पता नहीं क्या मसला है इसका, बीमार है। किसी से पता करता हूँ मैं इसकी दवाई। चलें दाना रखते हैं इनका। ये जी दाना आ गया इनका। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इसका जो है ना दाना हज़म नहीं हो रहा, जो इसने खाया हुआ ना वो हज़म होगा तो इसका फिर जो है ना आगे दवाई वगैरह काम करेगी, उसके अलावा दवाई भी काम नहीं करेगी इस पर। ये तो खा रहे हैं मस्त, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को मार रहे। तो इसे भी मैं बंद करता हूँ, चलते हैं तब तक ऊपर वाले परिंदों को चेक करते हैं। कल की वीडियो में भी वो नहीं दिखाए, तो चलें आपको दिखाते हैं ऊपर वाले परिंदे। नहीं जी ये भी रेडी खड़ी हैं, इन्हें कोई खोले। ये देखें कबूतर हमारा अकेला ही बैठा हुआ है, इसके लिए ले ही आएंगे कबूतरी अली भाई से वापस, या फिर ये भी उन्हें ही दे देंगे, हमारे किस काम का है। हम जब दोबारा कबूतर रखेंगे तो फिर उनसे ले लेंगे, अभी इसे बांध ही रहने देते हैं। अली भाई से पूछेंगे, अगर उन्हें पसंद आया तो फिर उन्हें दे देंगे। अंडा वगैरह चेक करते हैं, उन्होंने कोई दिया तो उठाते हैं।
तो आज फिर उन्होंने माशाल्लाह दो अंडे दिए हैं, एक तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये उठाते हैं और चलते हैं नीचे, ये शाम तक फिरती रहेंगी ऐसी। ये जी दूर सी पता चल रहा था, अंडा तोड़ दिया इन्होंने। तो ये दो अंडे हैं इनके आज के, फिरती रहे, काफ़ी गर्मी है आज ऊपर। चलते हैं नीचे, इनको शाम को दाना वगैरह डाल देंगे। इनसे मैं बहुत तंग हूँ जी, इनको जब भी मैं खोलता हूँ ये अंदर आ जाते हैं गंद करने, कमरा फिर बहुत मुश्किल से साफ होता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरा शक यकीन में बदल रहा है, वो चूज़ा बीमार है, उसे शायद अलग ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसकी क्या रिपोर्ट है, अभी से खोलते हैं, ये भी दाना वगैरह खा लेगा अपना, तब तक इसे बंद कर देंगे। ये जी ये बंद हो गया, ये दाना खाता रहेगा, इसे मार रहे हैं बार बार। तो चलें जी ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसका इलाज वगैरह कोई करना है, दवाई वगैरह का पता करना, उसे टाइम को नहीं ज़ाया करते। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो कमेंट लाजमी करना, लाइक लाजमी करना आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।